बट आप अरमान और दीक्षा की फिल्म के सपोर्ट ले आए हैं। आज बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है मेरे टीम और दीक्षा के टीम के बीच में। मैं सबको ये बात बोल दूँ कि अरमान जब बहुत छोटा था, 2 या 3 साल का था, अभी भी छोटा है, इसके जो पहले फुटबॉल के जूते और पहला फुटबॉल मैंने खरीद के दिया था, तो ये ज़िंदगी भर मेरा शुक्रगुजार रहेगा कि जो फुटबॉल का जो शौक तुमने पैदा किया है वो किसके वजह से है। रणबीर भैया, और आज भी वही जूते पहन रहा हूँ। मैं नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मैं इस इमोशन को पॉजिटिव एंग्जाइटी कहता हूँ। इट्स एक्साइटमेंट एंड बीइंग नर्वस, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दोज इमोशंस। सबका बाप है, किसी को फॉलो नहीं करता, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये किसी को फॉलो नहीं करता। मुझे ये याद है कि पहली बार जब मैं थोड़ा बहुत अपने बल पर थोड़ा मशहूर हुआ था, वो फुटबॉल के नाते, क्योंकि जब मैं स्कूल के टीम के लिए खेलता था और जब हम इंटर स्कूल में गोल मारते थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लास्ट पेज पर आपका नाम आता था। तो आज भी मम्मी ने वो काट के वो रखा है। मुझे याद है हम क्लासेस बंक कर सकते थे क्योंकि हम फुटबॉल खेलने जा रहे थे, और जब हम वापस स्कूल आते थे तो सब जो अटेंशन मिलता था लड़कियों से, क्लासमेट से, कि यार ये फुटबॉल में गोल मार के आए हैं। सो आई थिंक फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन दैट वन मीडियम फॉर मी, जहाँ आई फेल्ट कि मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। स्कूल में तो कुछ खास था नहीं, लेकिन आई थिंक थ्रू फुटबॉल आई फेल्ट अ लिटिल अलाइव। रणबीर भैया इज अ सीनियर एक्टर, आई डोंट थिंक एनीवन कैन कीप अप टू दिस न्यू जनरेशन। आई से मेरे बुड्ढा बोला रहा है, बट अगर हालांकि आई गिव एन एग्जांपल, अगर कोई राम लखन बनाना चाह रहा है तो आई विल मेक श्योर कि राम का रोल ये प्ले करेगा और लखन का रोल मैं प्ले करूंगा। Okay, so I was a 100 kilo kid. So Ranbir bhai also called me a football till 5 years ago. जैसे मैं बहुत बार कहा है कि एक एक्टर की मिस्ट्री वैसे भी मर रही है। सो अगर आप सोशल नेटवर्क में आ जाओ एंड इतनी सारी चीज़ें करो, यू बिकम मोर एक्सेसिबल, एंड आई थिंक कुछ साल बाद आई थिंक ऑडियंस विल फॉरगेट मी एंड दे वोंट हैव बी इंटरेस्टेड इन मी। हाउ डू यू स्लीप ऑन द थर्सडे नाइट बिफोर द रिलीज? यूजली मैं क्या करता हूँ कि यू हैव डिनर, फिर आग बंद करते थे एंड नींद आ जाती है, बेसिकली दैट्स हाउ यू स्लीप। बट यस, आई अंडरस्टैंड जो अरमान कहना चाह रहा है कि जो नर्वस एंड एंजाइटी होती है पहली फिल्म को लेकर, वो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बोथ ऑफ यॉल, तो एक्सेप्ट दैट फीलिंग, क्योंकि ऐसी फीलिंग बार बार नहीं आती। जब आप 5-6 फिल्मों के बाद दैट फीलिंग डिक्रीजेस, सो दिस इज़ वन फीलिंग दैट यू विल रिमेंबर यू नो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, दैट एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट। इवन आरएफ इज गोइंग टू फील दैट, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, सो एम्ब्रेस इट। आई एम श्योर यू गाइज हैव वर्क वेरी हार्ड और फिल्म बहुत बहुत बड़ी सुपर हिट होगी। You know, some of the roles you've done have been spectacular and they're more character driven. So do you feel that sort of stays with you even after you're done with the movie? I think how do you disassociate? I think not every film, because you work in so many films, but definitely one film which stayed with me was the character that Imtiaz sir gave me, Janardhan Jhakad. I think that is one character which was very close to my heart. Imtiaz became a very special person in my life, and I think the collaboration that I shared with him is something that I'll always cherish all my life.